हे गाइस, तो मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड रैंक। आज का गेम तो एकदम ही तबाही वाला होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा भाई बन चुका है KGF का रॉकी भाई। और आज तो फिर लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, जैसे कि KGF में रॉकी भाई दौड़ा दौड़ा के मारता है, मतलब इस गेम में खौफ पैदा कर देंगे। और ये रहा बंदा, भाई साहब काफी बंदे हैं और एक पैराशूट में ही नॉक। और ये देखो एक बंदा यहाँ, अब कहाँ उतरा है भाई, तू मौत के पास उतरा है, मेरे पास उतर के तू गलती कर दिया ना, मर जा, मूड ऑफ। भाई साहब इस बंदे का नाम है कि बता रहा है, मूड ऑफ, लगता है किसी से धोखा का है इसलिए मूड ऑफ है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। पीक पे तो इस बार काफी बंदे आए हैं, तो इजली यहाँ 10 से 15 किल निकल जाएगा। तो चलो जल्दी से जल्दी लूट कर लेता हूँ, उसके बाद जो टूटी फूटी छत वाला घर है ना, वहाँ पास काफी बंदे उतरे हैं तो वहाँ पे जाएंगे। वैसे भी एक बंदा को मैंने डाउन किया है, उसका किल अभी तक नहीं आया है, क्या ही हेडशॉट पड़ा था लेकिन उस बंदे को, वो बंदा भी अरे आ गया भाई साहब, उसका टीममेट रिवाइव ही नहीं किया लगता है। मैं सोचा था कि उसका टीममेट रिवाइव कर दिया होगा तो मुझे किल नहीं मिलेगा, बट उसका किल मिल गया। और यहाँ पे ये बंदा है, देखते हैं कहाँ पे है। कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पे बंदा है, चलो जाके देखते हैं। अरे कोई तो मारो भाई मुझे, मैं रॉकी भाई बन चुका हूँ। अरे एक लड़की, और ये किधर ध्यान है, बच गई, इसका ध्यान किधर था, मैं पीछे खड़ा था और ये मुझे देख ही नहीं। ओके इस तरफ भाग रही है ये रही। यहाँ पे एक और बंदा, मैं अपना किल लेके रहूंगा भाई साहब। वो बंदा उसको नॉक कर दिया था, बट मेहनत तो मैंने किया था मारने के लिए, इतना उसको दौड़ाया इतना दौड़ाया, लेकिन वो बंदा उसको नॉक कर दिया तो उससे मैं किल छीन लिया। चलो अपना किल तो छीनना बनता है, बट इस घर में बंदा है लेकिन मैं सीधा सीढ़ी से चढ़ नहीं सकता, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ। नहीं नहीं वो बंदा शायद उस तरफ है, सुनाई तो दे रहा है, उसका फुट स्टेप साउंड ये रहा। ओह माय गॉड, तो नली रखा था बंदा, बच गया मैं। चले इसका किल आ गया और दो नली उठा लेता हूँ, ऐसे भी मेरे पास ढंग का गन नहीं है। और यहाँ पे एक और बंदा आ चुका है, आजा भाई तेरा भी इंतजार है, आजा आजा जल्दी आ मुझे मार भाई। क्या गुंडा बनेगा रे तू। ये गोली चला नहीं पाया, तो आज तो लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, जैसे कि वो रॉकी भाई मारता है ना वैसे टाइप का एकदम खतरनाक। तो यहाँ पे अपना हो चुका है 5 किल, और ऐसा लगता है कि पीक पे अभी और बंदे मिलेंगे, तो यहाँ पे तो इजीली मैं 10 किल कर लूँगा, तो 10 किल किए बगैर तो यहाँ से जाऊँगा नहीं, मतलब गेम 15 से 20 किल करके निकाल लूँगा, बट यहाँ पे 10 किल तो करके ही जाऊँगा। ओके चलो इस डायरेक्शन से चलते हैं, मतलब ग्लू वाल वगैरह ले लेता हूँ, सामने जो वेंडिंग मशीन है ना वहाँ पास जाके। वैसे भी मेरे पास एक भी ग्लू वाल नहीं है। बगल के रिवाइव पॉइंट पे कोई बंदा अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा है, तो लगता है कि पीक पे जितने भी बंदे मैंने मारा ना, 2-3 बंदे अलग से स्क्वाड का, तो उसी का टीममेट होगा मुझे लग रहा है, तो रिवाइव होने नहीं देंगे जितना जल्दी हो सके। लगता है मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो कोशिश करता हूं जितना जल्दी हो सके वहां पे पहुंचने की, बट नहीं यार हो गया रिवाइव, हो गया थोड़ा सा बचा है, एकदम थोड़ा सा बचा है, ये हो गया सिट, कोई बात नहीं। और गाड़ी लेके भाग रहा है बंदा, ये रहा। भागने की कोशिश तो किया बट भाग नहीं पाया, और यही होता है हमेशा जब भी अपने टीममेट को रिवाइव करने के चक्कर में लोग मारे जाते हैं। और यहाँ पे कोई बंदा जीपलाई से आया था और भाग रहा है भाई साहब, खौफ देख रहे हो अपना, ये बंदा यहाँ पे आया तो था लेकिन जैसे ही यहाँ पे फायरिंग और फाइट सुना ना और देखा तो भागने लग गया। और ये एक और बंदा शायद अभी जो बंदा यहाँ पे रिवाइव पॉइंट यूज कर रहा था उसी का टीममेट है लगता है, क्योंकि इसके पास कोई ढंग का मतलब कोई गन ही नहीं था लगता है, गन रहता तो मुझ पर फायर करता, तो मेरे पास एक भी ग्लू वाल नहीं है, तो जाके सबसे पहले तो वेंडिंग मशीन से ग्लू वाल ले लेता हूँ, क्योंकि बिना ग्लू वाल के तो फिर मारा ही जाऊँगा। वैसे भी क्रोनो तो वैसे क्रोनो है लेकिन एक बार बस यूज़ कर सकते हैं, तो
ग्लू वाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो सबसे पहले जाके ग्लू वाल ले लेता हूँ। सामने वेंडिंग मशीन वाले घर पे बंदा भाई साहब, वो रहा बंदा साइलेंसर लगा के मुझे मार रहा है। चलो एक अच्छी बात है कि उसको मैं मार के साइलेंसर जरूर लूटूंगा। मस्त प्लान है। ये मारा गया सीधा। यस, लगता है ये सोलोवर से स्क्वाड खेल रहा था या फिर ये अपने स्क्वाड का अकेले ही बचा था। और यहाँ पे एक और बंदा है जो वेंडिंग मशीन वाले घर के पास है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक मेडिकेट लगा लेता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर रस मारूंगा। उसके साउंड तो आ रहा है, अंदर से साउंड आ रहा है। कहाँ पे है भाई तू, कहाँ पे है? पता नहीं, शायद वो इस घर के, वो रहा, मुझे लगा ही था कि इस घर के ना जस्ट उस पार है, मतलब बाहर पे ग्लू वॉल लगाया था वहाँ पे था। तो ये आएगा यहाँ पे, अरे आ जा यार, आएगा और फिर मैं इसको मारूंगा, बट आ ही नहीं रहा है। लगता है आ गया, अंदर आ गया, वो आ रहा है इस साइड। ये भी खत्म हो गया, ये भी अपने स्क्वाड का अकेले बचा था। क्या ही बोले, अपने स्क्वाड के दो बंदे अकेले बचे थे, तभी तो यहीं पे आए थे अपने टीममेट को रिवाइव करने। शायद इनके पास टोकन नहीं था, यही लगता है कि इनके पास टोकन नहीं था, इस रीजन से ये रिवाइव नहीं कर पाया अपने टीममेट को। और चलो यहाँ पे मुझे साइलेंसर मिल गया, और सबसे पहले तो यहाँ पे ग्लू वॉल ले लेता हूँ, उसके बाद फिर श्रिंक आ चुका है तो सर्कल में पहुँचना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात कि मेरा 10 किल हो गया यहाँ पे पीक पे। One eternity later. सामने पे एक बंदा, हो सकता है उसका टीममेट पीछे हो, थोड़ा वेट करता हूँ। नहीं है, इस बंदे का टीममेट नहीं है शायद, वो भी अकेले बचा है। चलो अब उसको भी मौत देते हैं। हो भाई, ये बंदा तो अपने आप को घेर के मेडिकेट लगा रहा है लगता है। ये फंस गया, लेकिन ये फंस गया है, इसको पता नहीं है मेरे पास बॉम्ब है। और भाई साहब इसके नाम में काफी बंदे दिखाई दे रहे हैं। चलो ये तो नॉक हो गया, बट इसको मार के वहां पे जाना पड़ेगा जहां पे बंदे हैं। लूजर। स्कैनर में 1 से 2 स्क्वाड यहीं पे दिखे थे, तो चलो अब उनको भी मौत देते हैं। ओ भाई साहब, एक बंदा तो दौड़ के इधर आ रहा है, जिसको बोलते हैं ना ओपीएड। क्या ही वन टैप पड़ा था इस बंदे को। और ये सामने वाला, ये एट विंडो जो भी बोल दिया जाए, यहाँ पे 2 से 3 बंदे हैं, क्योंकि साउंड आ रहा था यहाँ पे। भाई साहब बंदा मुझे डैमेज कर दिया, बच गया, उस साइड गया तो बच गया। ओ भाई, वो बंदे मेरे ऊपर रस मार दिए। तो यहाँ पे वेट करता हूँ, आ जाओ भाई अब ऊपर आके दिखाओ। ये एक तो गया नॉक, ग्लू वॉल लगा दिया। अबे मेरे पास बॉम्ब है, तू कैसे बचेगा बॉम्ब से? ये ले, सीट डैमेज ही नहीं आया भाई साहब। वहीं पे तो था बंदा, लेकिन डैमेज कैसे नहीं आया पता नहीं, जो भी। बट मैं यहाँ पे वेट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे पे बहुत बंदे हैं, 2 तो यहाँ पे है, लेकिन छोटा सा सर्कल हो चुका है और छोटे से सर्कल पे 13 बंदे अलाइव है, मतलब यहाँ पे और बंदे होंगे, तो ऊपर में ही वेट करना ज़्यादा सही है। 12 seconds later. ये बंदे तो मेरे पीछे ही पड़े हैं, लगता है वो भाग रहा है, वो रहा। ड्रैग उठाने की कोशिश तो किया बट लगा ही नहीं। और उसका एक और टीममेट है इस तरफ, साउंड तो आ रहा है, कहाँ है भाई? ये रहा, ये हो गया नॉक। ये बंदा तो साढ़ा भर रहा था, लेकिन हम भी तो किसी से कम नहीं, हम भी तो 150 है ना। ये बंदा घूम के मारने की मुझे कोशिश कर रहा था, तो इसका टीममेट शायद इस घर के जस्ट सामने पे आए, तो इसको सबसे पहले पूरा मार देता हूँ। चलो इसका किल आ गया। और वो बंदा कहाँ है, जल्दी से जल्दी इसको लूट लेता हूँ। ओ भाई साहब, वो बंदा तो यही जस्ट ये सामने वाले घर पे है, मुझको उसका साउंड आ गया, हल्का सा साउंड आया, तो मुझे पता चल गया है कि वहाँ पे बंदा है, तो वहाँ पे नहीं जाना है।
यहाँ पे वेट करता हूँ। नहीं, यहाँ से इधर से जाके देखता हूँ, वैसे भी सामने फाइट चल रहा है तो किल मिल जाएगा। और वो रहा बंदा, एक तो हो गया नॉक और ये रहा, अरे बच गया। ये वही बंदा है जो घर पे मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। ओ भाई साहब, उस बंदे को उस डायरेक्शन से मार दिया, मार्स इलेक्ट्रिक पे जो बंदा है ना उस तरफ पूरा। तो उस बंदे ने मेरे जस्ट बगल में एक बंदा था उसको मार दिया है। वैसे तो वो मेरा किल था। और एक बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे क्या कर रहा था पता नहीं। ये हो गया अपना 15 किल। तो अब बस 2 बंदे बचे हैं जो कि शायद मार्स इलेक्ट्रिक की तरफ मतलब उसी डायरेक्शन पे है। तो सर्कल तो लास्ट हो चुका है तो मुझे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना यहाँ पे रहूँगा तो मारा जाऊँगा स्रिंग से। वैसे भी स्रिंग स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे बंदा थोड़ी ना नहीं है, तो पक्का इस बंदे को उस बंदे ने मार दिया है जो मार्स इलेक्ट्रिक की तरफ है। ओके, ग्लोवाल लगा दिख तो रहा है। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं सर्कल पर पहुँच चुका हूँ। इन दोनों बंदों को ना हेडशॉट मारने की कोशिश करूँगा। वैसे भी वुड पैकर से बहुत अच्छा हेड लगता है, तो इन दोनों को हेडशॉट भी मारेंगे। ओके निकल वे, ये पड़ा हेडशॉट, बहुत कोशिश किया अब जाके लगा है। और दूसरा कहाँ है, वो रहा, ये पड़ा भाई साहब। दोनों बंदों को क्या ही हेडशॉट पड़ा। यहाँ पे अपना रॉकी भाई के स्टाइल में यहाँ पे गेम बोया हो गया, वो भी 17 किल के साथ। तो अगर आप लोगों की गेम प्ले अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।